ये बहुत समस्या में है, गाय को बहुत दर्द हो रहा है। भगवान को प्रार्थना करते हैं कि एक ही राउंड में ये 20 मिनट में ठीक कैसे हो जाती है बिना केमिकल दवाई से। जितना अर्जेंट उसके मुंह में जाए उतना ज़्यादा फायदा करेगा, इसको मिला के बाहर रोकना नहीं है। ये गाय पेट के तकलीफ से त्रस्त थी, तो कैसे रमेश भाई जी ने उसका देसी नुस्खे से इलाज किया? ये हमारी एक गाय है, इसको जो है ना पेट में कोई समस्या हो गई है, उसको भयंकर रूप से पेट में पीड़ा हो रही है और इसके ये लक्षण हैं। आप देखेंगे अभी क्या क्या करती है वो आपको दिखाते हैं, और यदि ऐसा करती है तो समझ लेना इसको पेट में कोई समस्या है। जैसे बैठने का प्रयास करती है, पूँछ बार बार ऊपर करती है, पैर लात गिराती है बार बार, भागती दौड़ती है, तो कैसा करके वो पेट को अपने रूमिन में जो वायु या कोई भी डिस्टर्बेंस खड़ा हुआ है उसको कंट्रोल करने की कोशिश करती है। तो ये समझ में आता है कि इसके पेट में भयंकर दर्द हो रहा है। अब इस दर्द की दवाई क्या करेंगे वो भी मैं आपको बताता हूँ। अभी 10 मिनट में ये ठीक हो जाएगी, तो उसके लिए है ना हमें इसको क्या करना है वो मैं प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ और ठीक भी करेंगे। भगवान को प्रार्थना करते हैं कि एक ही राउंड में ये 20 मिनट में ठीक कैसे हो जाती है बिना केमिकल दवाई से। ये बेचैन रहती है, एक जगह पे स्थिर नहीं होती, और वो ऐसे लक्षण दिखाती है कि उसको कुछ दर्द हो रहा है पेट में, क्योंकि बाहर ही दर्द होता तो दिखता, पर बाहर तो कुछ दिखता नहीं है, और बार बार गोबर करने का प्रयास करती है। आप देखिए ऐसी बहुत सारी टिप्स होती है जो गोपालक को जानकारी में रहना चाहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा गोपालक कम खर्चे में और गाय को पहले ज़्यादा केमिकल ना दे करके कैसे ठीक किया जाए उसके ऊपर हमेशा हमें प्रयास करना चाहिए। तो आज ये अचानक से माहौल हुआ था ये गाय की समस्या, तो आज हमने आपको दिखाने का प्रयास किया है। अभी इसको क्या पिलाते हैं वो भी दिखाते हैं। ये गाय अभी अभी बच्चा दिया है, 1 सप्ताह हुए बच्चा दिया है। ये बहुत समस्या में है, गाय को बहुत दर्द हो रहा है, ये भारी दर्द हो रहा है गाय के पेट में, आप देख रहे हैं, इसलिए वो गाय ऐसा कर रही है। ऐसे लात ठोकती है, ये आप देख रहे हैं, ये जो मैंने लगभग 1 लीटर के करीब देसी गाय का दूध लिया है गर्म करके ठंडा किया हुआ, और ये दोनों मिला के 1 लीटर सोडा है। अभी इसको एक साथ पहले नहीं मिलाना है, क्योंकि यदि पहले मिला देंगे तो सोडा के अंदर जो ऑक्सीजन गैस है वो सारी निकल जाएगी। इसको ऐसे नली में डाल के मिलाना है, ऐसे आधा ये भर लिया, अब इसमें आधा सोडा डालेंगे। पिलाने का भी एक तरीका है, आराम से प्यार से पिलाना है, किसी भी प्रकार की ज़बरदस्ती ना हो, ताकि ज़बरदस्ती यदि करेंगे तो सांस नली में जाने का चांस रहता है। दूध और सोडा जो है वो रूमिन को अल्कलाइन करेगा, और जो भी उसके रूमिन के पीएच में वेरिएशन डिस्टर्बेंस खड़ा हुआ है वो तुरंत ही 20 मिनट में सेट कर देगा। रूमिन का पीएच 7 और 9 के बीच में ला के देता है दूध और सोडा, तो उसके कारण जो उसके पाचन में गड़बड़ी खड़ी हुई है वो गड़बड़ी ये तुरंत ठीक करेगा। जितना अर्जेंट उसके मुंह में जाए उतना ज़्यादा फायदा करेगा, इसको मिला के बाहर रोकना नहीं है। ये इतना निर्दोष पीना है कि इसको आप भी पी सकते हो।
अभी मैं आपको ये भी बताऊंगा, ये गाय 20 से 25 मिनट में शांत हो जाएगी, ये सारे जो उसको दर्द है वो दर्द तुरंत ख़त्म हो जाएगा। चलो मैं खुद से देखा कि ये गाय पेट के तकलीफ से त्रस्त थी, तो कैसे रमेश भाई जी ने उसका देसी नुस्खे से इलाज किया। ये जो एथनोपोरेट प्रैक्टिसेस है ये सब इस बुक में से आप रमेश भाई ने मुझे दिया है, बहुत यूजफुल दिख रहा है, और मैंने इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन अभी देख लिया। 20-25 मिनट में गाय ठीक हो गई है, चारा खा रही है अभी और शांत खड़ी है। तो दोस्तों, जो अभी मैंने आपको बताया था कि जो ये गाय को हम 20 मिनट में कैसे ठीक करते हैं बिना केमिकल से, मैं एलोपैथी का विरोधी नहीं हूँ, एलोपैथी के बारे में कभी खराब बोलता नहीं हूँ, परंतु किसान गोपालक को जल्दी से जल्दी, जैसे 20 मिनट में कोई डॉक्टर नहीं आएगा, जो जब डॉक्टर को भी बुलाना है, लेकिन जब डॉक्टर आता है तब तक आप क्या कर सकते हो, इसको मैंने 1 लीटर देसी गाय का दूध पिलाया, और 1 लीटर दूध में लगभग 1.5 लीटर जो ड्रिंकिंग सोडा, प्लेन सोडा, ध्यान से समझना, खाने वाला सोडा नहीं, लिक्विड प्लेन सोडा जो ड्रिंकिंग सोडा आता है वो प्लेन सोडा 1.5 लीटर, और 1 लीटर गाय का दूध गर्म करके ठंडा किया हुआ। पेट की कोई भी समस्या है, पेट में वायु बढ़ता है, कब्ज हो जाता है, पेट का पीएच अनबैलेंस हो जाता है, पेट में चूक आती है, जो गाय बार बार लात मारती है, गोबर करने का प्रयास करती है, तो ये सारी समस्या, उसका एसिड बढ़ा हुआ है, एसिड लो हो गया है, कुछ भी है, तो आप दूध और सोडा पिलाओगे तो गाय का या मनुष्य का रूमिन अल्कलाइन हो जाएगा, तुरंत उसकी सारी सिस्टम फिर से रिस्टार्ट हो जाएगी, जैसे हम मोबाइल को रिस्टार्ट करते हैं ऐसे उसका रूमिन रीसेट हो जाएगा। जैसे रूमिन रीसेट हो जाएगा, नतीजा आपके सामने है, आपने देखा गौ माता को, ये कोयल गौ माता आपके सामने खाना भी खा रही है और एकदम अच्छे से हिल डुल कर रही है। ये सिर्फ 20 मिनट में ठीक हो गई। इसका इस कार्य के सहभागी बने हमारे सुजीत भाई जो कर्नाटक बेलगांव से आए हैं। तो सुजीत भाई, आपने कैसा देखा ये प्रयोग? बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जैसे ही समझ में आता है कि भाई कोई गाय बीमार है, उसको तुरंत क्या करे, उसका इलाज अपने घर में जो भी सामान पड़ा है उसके बारे में हम कैसा उसका उपयोग करें, ये हमने आज आंखों देखी देख ली। तो दोस्तों, ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है, यदि गोपालक ये सारी चीज़ें जानता है तो इजीली कर पाएगा। मतलब मेरा किसी को गिराने का इरादा नहीं है, किसी के बारे में गलत बोलने का इरादा नहीं है, परंतु ये अपना परंपरागत ज्ञान है, उसके साथ चलना है, मेरा विरोध नहीं है अंग्रेजी कल्चर का, लेकिन यदि परंपरागत अपनी विद्या है, परंपरागत ज्ञान है, उसको यदि हम साथ लेके चलेंगे तो जो आने वाले समस्याएं है उसका हम आसानी से सामना कर पाएंगे और सरलता से गोपालन कर पाएंगे। जितना सस्टेनेबल, जितना सस्ता गोपालन होगा उतनी गोपालकों की जीत होगी, उतनी उसकी प्रोडक्ट की जो है लाइबिलिटी कम आएगी, और उतनी ही प्रोडक्ट वो अच्छे और सस्ते दाम से सेल कर पाएगा तो ही मार्केट में टिक पाएगा। तो आज का बस इतना ही दोस्तों। यदि ये हमने गौ माता को पीड़ा से दूध और सोडा पिला के बाहर निकाला, परंतु आप घर में बैठे गौ सेवा कैसे कर सकते हैं? यदि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा गोपालकों तक पहुँचाएंगे, आपके एक शेयरिंग से किसी गौ माता की पीड़ा कम हुई तो उसका पुण्य आपको जाता है, घर बैठा पुण्य कमाए ये भी फंडा है। वंदे गौ मातरम, भारत माता की जय।